दोस्तों नमस्कार, एबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है डायनेमिक्स ऑफ मशीन और आज हम लोग डायनेमिक्स ऑफ मशीन में डायनेमिकली इक्विवेलेंट सिस्टम को समझेंगे। यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। यदि आप इसको समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, जो मैं समझाता हूँ उसको ध्यान से सुने, समझ में आ जाएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना यह जरूरी है कि हम यहां पर क्या करने वाले हैं या डायनेमिकली इक्विवेलेंट सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, क्या होता है डायनेमिकली इक्विवेलेंट सिस्टम। तो ध्यान से सुनेंगे, यदि कोई रिजिड बॉडी या जिसे हम कठोर बॉडी भी बोलते हैं उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं, बाहरी फोर्स लग रहे हैं, उनके कारण वह मोशन में है, गति कर रही है। तो यदि उस कठोर बॉडी की गति को हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो यदि कोई रिजिड बॉडी एक्सटर्नल फोर्स के कारण गति की अवस्था में है और हमें उसके मोशन को निकालना है, तो एक तरीका है, सबसे पहले उस बॉडी को हमें डायनेमिकली इक्विवेलेंट सिस्टम में रिप्लेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डायनेमिकली इक्विवेलेंट सिस्टम में क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस करना पड़ेगा। अब डायनेमिकली इक्विवेलेंट सिस्टम में उस रिजिड बॉडी को कैसे रिप्लेस करते हैं, ये हमें पूरा सिस्टम को आज समझना है विथ डेरिवेशन। तो एग्जांपल के लिए हमने क्या है, यहां पर एक डायग्राम लिया है कि ये क्या है, रिजिड बॉडी है, क्या एक रिजिड बॉडी है। अब रिजिड बॉडी को यदि हमें डायनेमिकली इक्विवेलेंट सिस्टम में रिप्लेस करना है तो उसका एक तरीका है कि यहां पर कुछ लिखा है, मैंने लिखा है कि सिस्टम में टू मासेस प्लेस्ड एट फिक्स डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम जो भी डिस्टेंस है। तो यहां पर हमने मान लिया एक रिजिड बॉडी है, जैसा इसकी डायनेमिकली इक्विवेलेंट सिस्टम का जो सिस्टम है इसको रिप्लेस करने का, हमने दो मास मान लिया, एक एम वन मास मान लिया, एक हमने एम टू मास मान लिया, और दोनों को एल दूरी पर हमने क्या कर दिया, उस बॉडी में फिक्स कर दिया। अब ये दो M1 M2 जो मास हैं, इनको फिक्स करने की भी कुछ कंडीशन होती है। तो जो पहली कंडीशन है, जो हमारी रिजिड बॉडी है यदि इसका मास M है, क्या है, जो रिजिड बॉडी है उसका कुछ ना कुछ मास होगा, तो हमने मान लिया उसका मास क्या M है। तो जो M1 है और जो M2 है, क्या है, यहां पर M1 है प्लस M2, जो दो मास हमने लिए हैं और L डिस्टेंस पर फिक्स किए हैं, इन दोनों का मास इक्वल किसके मास के बराबर होना चाहिए, जो बॉडी का मास है उसके बराबर होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जो हमारी बॉडी है उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो बॉडी है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है मास m के कारण, ये सेम सेंटर ऑफ ग्रेविटी होनी चाहिए किसकी, मास m1 और m2 जब यहां पर रिप्लेस करेंगे तो उन दोनों के भी सेम सेंटर ऑफ ग्रेविटी होना चाहिए। तीसरा क्या है, इन दोनों का जो योग है, इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्सिया है, इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्सिया है वह बराबर होना चाहिए किसके, जो यहां पर एम मास, जो बॉडी का रिजिड बॉडी का जो मास है इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्सिया है उसके बराबर होना चाहिए। एक कम से कम तीन कंडीशन सबसे पहले फॉलो होने चाहिए। तो ये तो कंडीशन हो गई है, यदि आपको लिखने में प्रॉब्लम होगी जो मैंने यहां पर सुनाया है, तो जो हमारी एबी क्लास एप्लीकेशन है उसमें वीडियो के साथ पीडीएफ अटैच है, तो उस पीडीएफ को पढ़ के भी आप समझ सकते हैं। लेकिन पहले इस वीडियो को देख लें जिससे आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए, तो पीडीएफ पढ़ के बहुत आसान हो वह पीडीएफ पढ़ के समझना, उम्मीद है समझ गए होंगे। और जिनके पास एबी क्लास एप्लीकेशन नहीं है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएं, एक लिंक दी है मैंने वीडियो की, उस वीडियो को आप देखें पूरा, उसमें ये समझाया है कैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, कैसे पीडीएफ मिलेगी या कैसे पीडीएफ कोर्स वीडियो कोर्सेज को हम क्या कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, कितनी उसकी प्राइस है, सब कुछ डिटेल्स उस वीडियो में बताया है, उस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अब चलते हैं इसकी मैथमेटिकली कैलकुलेशन देखते हैं। तो जो कंडीशन मैंने समझाई है, सबसे पहले इसको क्या है, हमने समझ लिया डायनेमिकली इक्विवेलेंट कंडीशन में है, उसके लिए पहली कंडीशन क्या मैंने बताई थी, M1 प्लस M2 इक्वल क्या होना चाहिए, M होना चाहिए, ये हो गई हमारी पहली कंडीशन। दूसरा क्या है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इससे जो डिस्टेंस है, ये दोनों जो मास और डिस्टेंस है इधर और फिर इधर मास ऑफ डिस्टेंस है, दोनों कैसे होने चाहिए, एक दूसरे के
इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा, एम वन इंटू एल वन इक्वल एम टू इंटू एल टू, ये कैसे होना चाहिए, एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। जो हमने क्या किया यहां पर, मासों को इसमें रिप्लेस किया है। तीसरी कंडीशन आती है हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कैसा होना चाहिए, इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, एम वन इंटू एल वन का स्क्वायर प्लस, हमने कहा दोनों का जो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, इंटू एल टू का स्क्वायर इक्वल रेडियस ऑफ जायरेशन एम इंटू के जी। ये इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते, ये क्या है यहां पर स्क्वायर है, इसको मैंने क्या मान लिया, थर्ड इक्वेशन मान लिया। ये तीन कंडीशन है जो फॉलो होने चाहिए जब हम लोग मानेंगे कि डायनेमिकली इक्विवेलेंट कंडीशन में आ गया है। अब इसको हम आगे यदि बढ़ाते हैं तो इनकी कुछ वैल्यू निकालना पड़ेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है एंड इक्वेशन सेकेंड है, इन दोनों से हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब यदि हमें एम वन और एम टू की वैल्यू निकालना है यहां से, तो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को लेकर निकाल सकते हैं। यहां पर जो इक्वेशन दिख रहा है एम वन प्लस एम टू इंटू क्या लिखा, एम लिखा, यदि हम इसमें एम वन एम टू की वैल्यू पुट कर दें, तो यदि हम इससे एम वन एम टू की वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगी, एम वन इक्वल इधर क्या है एम टू इंटू एल टू, और यदि हम क्या कर रहे हैं एम वन की वैल्यू निकाल रहे हैं तो एल वन कहां, इसके नीचे पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा एल वन हो जाएगा। और ऐसे ही हम अगर एम टू की वैल्यू निकालते हैं कहां से, यहां से, तो इधर की वैल्यू ऐसी की तैसी रहेगी, क्या रहेगी, एम वन इंटू एल वन रहेगा, कहां पर, यहां पर एम वन इंटू एल वन रहेगा, और एम टू के मल्टीप्लाई में एल टू है तो एल टू कहां, इसके नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एल टू यहां नीचे आ जाएगा। अब हमने क्या किया, ऐसा यहां पर बना लिया है, तो हम यहां पर क्या चलते हैं, एम वन एम टू की ये तो हमारी जो वैल्यू आ गई इसमें रखने के लिए, अब दोनों को हम इसकी वैल्यू इसमें रिप्लाई करते हैं वन बाई वन, तो क्या वैल्यू निकलेगी, ये ध्यान से समझना। अब हम इक्वेशन फर्स्ट करेंगे, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ऐसा लिखेंगे, हमने क्या कर दिया, इक्वेशन ले ली एम वन प्लस एम टू इक्वल एम, अब मैंने पहली वैल्यू एम वन की ली और यहां पर क्या रख दिया मैंने, एम वन की जगह एम टू इंटू एल टू बटे एल वन रख दिया, प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, एम टू हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। अब इसके नीचे वन मानना पड़ेगा, तो ए का एलसीएम क्या आ जाएगा, हमारा एल वन आ जाएगा, तो ए कट जाएगा यहां पर, तो क्या हो जाएगा, एल टू इंटू एल टू हो जाएगा, प्लस एल वन का ऊपर वाली वैल्यू में मल्टीप्लाई, प्लस क्या हो जाएगा, एम टू इंटू एल टू हो जाएगा, और इक्वल में क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। अब यदि हमें यहां पर किसकी किसकी वैल्यू चाहिए, एम टू की चाहिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा एम टू क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा, कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, एल एल टू प्लस एल वन बचेगा, कहां ऊपर की बात कर रहा हूं, और बटे में क्या आएगा, हमारा एल वन आ जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। अब हमें एम टू की यहां पर वैल्यू निकालना, तो क्या हो जाएगा, एम टू इक्वल इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एम इंटू एल वन हो जाएगा, और जो इसके मल्टीप्लाई में हुआ है कहां, नीचे आ जाएगा, तो एल टू प्लस एल वन है, इसको मैं सही करके लिख लेता हूं, क्या हो जाएगा, एल वन प्लस हमारा एल टू हो जाएगा। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, एम टू की वैल्यू आ गई। इसी तरह सेम हम एम मतलब इसकी वैल्यू एम टू की वैल्यू पुट करके एम वन भी निकाल सकते हैं। तो हमें यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, यहां पर लिख देता हूं मैं ना, अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कैसा रखा मैंने इक्वेशन फर्स्ट, एम वन प्लस एम टू इक्वल क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। अब हम वैल्यू किसकी रख रहे हैं, यहां पर एम टू की रख रहे हैं, तो एम वन जैसा का तैसा रहेगा, एम टू क्या है यहां पर, एम वन इंटू एल वन अपॉन एल टू है, इक्वल हमारा एम हो जाएगा। अब इसके नीचे वन मान लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, हमारा एल टू आ जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, एम वन इंटू एल टू हो जाएगा, क्योंकि वन है, वन का इसमें डिवाइड करेंगे तो एल टू होगा, एल टू का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस यहां पर प्लस क्या वैल्यू आ जाएगी, जो ऊपर है जैसे कि तैसे, एल टू से एल टू कटेगा तो वन बार जाएगा, तो एम वन इंटू एल वन आ जाएगा, इक्वल हमारा एम हो जाएगा। ऊपर हमें क्या करना है, एम वन कॉमन आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, एल टू बचेगा, प्लस हमारा एल वन बचेगा, कहाँ, यहाँ पर, और बटे में हमारा क्या बचेगा, एल टू बचेगा, इक्वल क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। हमें क्या एम वन की वैल्यू निकालना है, तो इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एम एल टू हो जाएगा, और बटे में ये जो यहाँ पर एम के साथ मल्टीप्लाई में एल टू प्लस एल वन, तो उसको हम सही करके लिखेंगे तो एल वन प्लस एल टू हो जाएगा। यहाँ पर मैं सही करके लिख देता हूँ क्या वैल्यू आई, एम
यहां पर मैं एल एम वन इक्वल क्या वैल्यू आई, एम एल टू अपॉन एल वन प्लस एल टू। उम्मीद है राइटिंग वगैरह पे आप ना जाएं, आप सही लिख सकते हैं, मुंह से मैं बोल रहा हूं, ये एल टू है, ये एल वन है, ये एल टू है, ये क्या है हमारा एम है। तो एम टू और एम वन की वैल्यू निकालनी है। अब ये एम वन एम टू की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इनको हमें क्या करना है, जो हमारा लास्ट में रेडियस ऑफ जायरेशन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला फॉर्मूला लास्ट में हमने तीसरी कंडीशन दी देखी थी, उसमें पुट करेंगे। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, एम वन एंड एम टू की वैल्यू पुट कहां पर करेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो हमारी थर्ड इक्वेशन हम लोग क्या लिखेंगे, एम वन एंड एम टू की वैल्यू कहां पर, इक्वेशन नंबर थर्ड में रखने पर। हम इक्वेशन सबसे पहले रखेंगे, तो इक्वेशन क्या थी हम देख लेते हैं, यहां पर इक्वेशन दी थी एम वन और एल वन का स्क्वायर प्लस एम टू एल टू का स्क्वायर इक्वल एम एल टू का स्क्वायर, है ना, एम और क्या था के जी स्क्वायर, ऐसी थी। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहां पर क्या रखेंगे हम, एम वन की जगह रखना, याद रखें एम वन की जगह क्या है, एम एल टू बटे एल वन प्लस एल टू आ जाएगा, एल वन प्लस एल टू आ जाएगा, और यहाँ इन टू में क्या हो जाएगा, एल वन का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, फिर एम टू की वैल्यू रिप्लेस करना, तो एम एल वन हो जाएगा अपॉन एल वन प्लस एल टू, एल वन प्लस एल टू आ जाएगा, इन टू हमारा एल टू का स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल एम के जी का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना, तो सॉल्व करना बहुत आसान होता है, उम्मीद है आप लोग भी सॉल्व कर पाएंगे। तो हमें क्या है, इसको अगर सॉल्व करना, तो एक लाइन खींच लें ऐसी इतनी, एल वन प्लस एल टू क्या एलसीएम आ जाएगा, दोनों में एक जैसा है, इसका इससे कट जाएगा, तो ऊपर की वैल्यू सीधी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, एम एल टू इन टू एल वन का स्क्वायर प्लस, इधर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, एम एल वन इन टू एल टू का स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम वैल्यू हैं, इक्वल में क्या आएगा, एम के जी स्क्वायर। अब दोनों में क्या है, एल वन एल टू, इधर एक एल ज़्यादा है, इधर भी एक एल ज़्यादा है, तो जो एलसीएम है वह में हम क्या लिख सकते हैं, एलसीएम यहाँ पर ले सकते हैं, एलसीएम पहले एल वन ले सकते हैं, फिर इंटू एल टू ले सकते हैं, इंटू एम ले सकते हैं, इतना एलसीएम ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में एल वन प्लस एल टू बचेगा। यदि हम इन दोनों वैल्यू से, इन दोनों वैल्यू से एल वन एल टू और एम एलसीएम लेते हैं, तो अंदर यहां पर एल वन बचेगा और इधर एल टू बचेगा, इधर देखो एल वन स्क्वायर इसलिए एक एल वन बचेगा, इधर एल टू स्क्वायर, इधर एक एल टू बचेगा, और नीचे बटे में ऑलरेडी हमारा क्या है, एल वन प्लस एल टू है वह बचेगा, इक्वल में एम के जी का स्क्वायर है। अब देखो इधर एक एम है, इधर से एक एम कैंसिल हो जाएगा, इधर एल वन प्लस एल टू है और नीचे एल वन प्लस एल टू, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, एल वन इंटू एल टू बचेगा, इक्वल में क्या हो जाएगा, के जी का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारी कंडीशन है जो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया था कि किसी भी सिस्टम को डायनेमिकली इक्विवेलेंट, किसी रिजिड बॉडी को डायनेमिकली इक्विवेलेंट कंडीशन में रिप्लेस करने के लिए ये हमारी पहली कंडीशन है। उम्मीद है पहली कंडीशन आप लोग समझ गए होंगे। अब यदि के जी गिवन नहीं है, जो हमारा रेडियस ऑफ जायरेशन के जी गिवन नहीं है, तो इस कंडीशन में जो आगे मैं बता रहा हूँ उसमें क्या होता है, उसमें यदि एल इक्वल जो कंडीशन बनती है क्या होती, के जी का स्क्वायर हो गया प्लस एल वन का स्क्वायर अपॉन एल वन का स्क्वायर, एक कंडीशन बनती। तो इसमें हम क्या करेंगे, के जी की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं, एल वन एल टू रिप्लेस कर सकते हैं, यहां से कहां से, यहां से रिप्लेस कर सकते हैं, फिर हमारा प्लस इधर क्या बचेगा, एल वन का स्क्वायर बचेगा, बटे में क्या आ जाएगा, हमारा एल वन आ जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, यदि यहाँ एल इक्वल, तो हम यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा, एल वन कॉमन आ जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, एल टू प्लस यहाँ पर एल वन बचेगा अपॉन एल वन है, एल वन से एल वन कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा, एल टू प्लस एल वन आ जाएगा। तो ये जब के जी, ये जो के जी जो गिवन ना हो, तो हमारी कंडीशन में क्या होता है, एल इक्वल क्या हो जाएगा, एल टू प्लस एल वन हो जाएगा। तो ये हमारा छोटा सा डेरिवेशन था, हमने सिर्फ इतनी कोशिश की कि जो आप बुकों से पढ़ते हैं या कहीं से पढ़ते हैं, वहां पर जो वैल्यू आपको समझ में नहीं आती, कहाँ से आई वैल्यू, कौन सी आई, क्यों आई है, क्या हम इसमें कर रहे हैं, ये सारे जवाब आपको मिल गए होंगे। उम्मीद है यदि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करेंगे, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन पर क्लिक करके रखें, क्योंकि आने वाले समय में जो भी आपके सभी सब्जेक्ट हैं उनके सिलेबस पूरे हो जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।